सुप्रभात प्यारे बच्चों, ये है हमारी हिंदी की वक्फ प्रयास, पेज नंबर 37। वी विल राइट डेट, डे एंड क्लास वर्क। बच्चों, आपको पता है आज हम क्या करने वाले हैं? ये जो बॉक्स बने हुए हैं, इनमें ये जो पिक्चर्स बनी है, इन पिक्चर्स का पहला व्यंजन हमें इन बॉक्स में लिखना है। तो बच्चों, ये फर्स्ट बॉक्स में किसकी पिक्चर बनी है, इसका क्या नाम है? यस, कमल। कम से कमल। ये कमल का फूल है। इसका पहला व्यंजन क्या है? यस, क। पहला व्यंजन क्या है? क। अब हम कमल का पहला व्यंजन क ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेस करेंगे हमारा सर्कल। आइए, हमने ट्रेस किया हमारा सर्कल और ये बीच की ब्लू लाइन को कवर करेगा। और अब हम ट्रेस करेंगे हमारी स्टैंडिंग लाइन। तो ये हमने ब्लू लाइन में पेंसिल रखी और ट्रेस की हमारी स्टैंडिंग लाइन। और इसके बाद हम ट्रेस करेंगे हमारा कर्व। और अब हमने बनाई इसकी छत, हमारी स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारे कमल का पहला व्यंजन क। और एक बार फिर से हम ट्रेस करेंगे हमारे क, कमल का पहला व्यंजन क। तो सबसे पहले हम ये ट्रेस करेंगे हमारा सर्कल। और अब हमने ट्रेस की हमारी स्टैंडिंग लाइन। इसके बाद हमने ट्रेस किया हमारा कर्व। और अब हमने बनाई इसकी छत, हमारी स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा कौन सा व्यंजन है? क। ये हमारे कमल का पहला व्यंजन क। तो ये हमारे सेकंड बॉक्स में किसकी पिक्चर बनी है, इसका क्या नाम है? यस, ग, गमला। ग से गमला। तो बच्चों, गमला का पहला व्यंजन क्या है? यस, ग। ग से गमला। तो इस बॉक्स में हम अपना पहला व्यंजन लिखेंगे ग। ग से गमला। तो सबसे पहले हमने ये ब्लू लाइन में पेंसिल रखी और ड्रॉ की हमारी स्टैंडिंग लाइन। और अब हमने बनाया एक छोटू सा सर्कल। और इसके बाद ये हमने ड्रॉ की हमारी स्टैंडिंग लाइन। और अब हमने ड्रॉ की हमारी स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारे ग, गमला का पहला व्यंजन है ग। और अब एक बार फिर से हम ये सेकंड बॉक्स में ड्रॉ करेंगे हमारा पहला व्यंजन ग। तो सबसे पहले हमने ये ब्लू लाइन में पेंसिल रखी और ड्रॉ की हमारी स्टैंडिंग लाइन। और इसके बाद ये हमने ड्रॉ किया हमारा छोटू सा सर्कल। और अब हम ये ड्रॉ करेंगे हमारी स्टैंडिंग लाइन। और इसके बाद हमने ये ड्रॉ की हमारी स्लीपिंग लाइन।
और एक बार फिर से हम ड्रॉ करेंगे गमला का पहला व्यंजन ग। तो सबसे पहले हमने ये ब्लू लाइन में पेंसिल रखी और ड्रॉ की हमारी स्टैंडिंग लाइन, और इसके बाद ही हमने ड्रॉ की हमारी छोटा सा सर्कल, और इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे हमारी स्टैंडिंग लाइन, और अब हमने ड्रॉ की हमारी स्लीपिंग लाइन। तो ये है हमारे गमला के पहला व्यंजन ग। वाव, ये थर्ड बॉक्स में कान है। यस, बनी रैबिट, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? खरगोश। बच्चों, खरगोश के नाम का पहला व्यंजन क्या होता है? यस, ख। क्या होता है? ख। और अब हम फर्स्ट बॉक्स में खरगोश का पहला व्यंजन ख ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने ये ब्लू लाइन में पेंसिल रखी और ड्रॉ किया कर्व, और ये थर्ड ब्लू लाइन को टच करते हुए ऊपर की तरफ हमने ड्रॉ किया हमारा सेकंड कर्व। इसके बाद हमने ड्रॉ की हमारी स्टैंडिंग लाइन, और ये बीच की लाइन को कवर करते हुए ड्रॉ किया हमने हमारा सर्कल। इसके बाद ये हमने ड्रॉ की हमारी स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारे खरगोश का पहला व्यंजन है ख। और अब सेकंड बॉक्स में एक बार फिर से हम ड्रॉ करेंगे हमारे खरगोश का पहला व्यंजन ख। तो सबसे पहले हमने ब्लू लाइन के ऊपर पेंसिल रखी और ड्रॉ किया हमारा क, और फिर एक बार फिर से हम ड्रॉ करेंगे हमारा कर्व, और ये थर्ड ब्लू लाइन को टच करते हुए ऊपर की तरफ ये हमने ड्रॉ किया हमारा कर्व। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे हमारी स्टैंडिंग लाइन, और इसके बाद ये हमने बीच की लाइन को कवर करते हुए ड्रॉ किया हमारा सर्कल, और अब हमने ड्रॉ की हमारी स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारे खरगोश का पहला व्यंजन है ख। और एक बार फिर से हम ड्रॉ करेंगे हमारे खरगोश का पहला व्यंजन ख। सबसे पहले हमने ब्लू लाइन में पेंसिल रखी और ड्रॉ किया हमारा क, फिर ये हमने थर्ड लाइन को टच करते हुए हमने ड्रॉ किया हमारा सेकंड कर्व, और इसके बाद ये हम ड्रॉ करेंगे हमारी स्टैंडिंग लाइन, और इसके बाद ये हमने ड्रॉ किया हमारा सर्कल, और अब हमने बनाई इसकी छत। तो ये हमारे खरगोश का पहला व्यंजन है ख। बच्चों, आपको पता है इसे क्या कहते हैं? यस, अलार्म घड़ी। ये हमें नींद से जल्दी जगाती है, तो इसे क्या कहते हैं? घड़ी, घ घड़ी। तो इस फर्स्ट बॉक्स में हम इस घड़ी का पहला व्यंजन क्या लिखेंगे? क्या आपको पता है इसका पहला व्यंजन क्या है? यस, घ। घ से घड़ी। तो अब
हम इस फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे हमारी घड़ी का पहला व्यंजन घ। तो सबसे पहले हमने ये ब्लू लाइन में पेंसिल रखी और ड्रॉ किया कर्व, और इसके बाद ये हमने ड्रॉ किया हमारा सेकंड कर्व, और अब हमने ड्रॉ की हमारी स्टैंडिंग लाइन, और इसके बाद हमने बनाई इसकी छत हमारी स्लीपिंग लाइन। तो ये है हमारी घ, घड़ी का पहला व्यंजन घ। और एक बार फिर से हम ड्रॉ करेंगे हमारी घड़ी का पहला व्यंजन घ। तो सबसे पहले हमने ब्लू लाइन में पेंसिल रखी और ड्रॉ किया हमारा कर्व, और अब हम ड्रॉ करेंगे हमारा सेकंड कर्व, और इसके बाद ये हम ड्रॉ करेंगे हमारी स्टैंडिंग लाइन, और फिर हमने ये ड्रॉ की हमारी स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारी घड़ी का पहला व्यंजन घ। और एक बार फिर से हम ड्रॉ करेंगे हमारा व्यंजन घ। तो सबसे पहले हमने ब्लू लाइन में पेंसिल रखी और ड्रॉ किया हमारा कर्व, इसके बाद हमने ड्रॉ किया हमारा सेकंड कर्व, और अब हमने ड्रॉ की हमारी स्टैंडिंग लाइन, और इसके बाद ये हमने ड्रॉ की हमारी स्लीपिंग लाइन। तो ये है हमारी घड़ी का पहला व्यंजन घ। बच्चों अब आपकी टर्न है, अब आप मैम को सुंदर सुंदर लिखकर दिखाओगे। बाय बाय बच्चों।